हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी DRDO एंड रेलवे ग्रुप डी और NTPC की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो DRDO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर DRDO का ऑफिशियल पेपर नहीं है, ना ही DRDO कभी अपना ऑफिशियल पेपर पब्लिश करता है। जो भी यूट्यूबर्स या वेबसाइट्स हैं जो DRDO का पेपर बता रही हैं आपके लिए, वो सभी फेक हैं, क्योंकि DRDO कभी अपने ऑफिशियल पेपर को पब्लिश नहीं करता है। मैंने ये पेपर DRDO के तो नहीं है, लेकिन जो भी DRDO का पेपर कंपनी कराती है वो और किसी, जैसे रेलवे ग्रुप डी और NTPC, RRB, JEE जैसे भी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हुए हैं, उनसे जितने भी रीजनिंग के टफ से टफ क्वेश्चन बने हैं मैंने इसमें ऐड किए हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। चलिए पहले क्वेश्चन का, OS पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है, और पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसके जैसी आकृति इन चारों में बतानी है आपने। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ गए होंगे। ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैंने ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ग्रुप किया हुआ है, तभी इसके नंबरिंग को मत देखिएगा आप, नंबरिंग अलग अलग हो सकता है। पूरे सेट्स में से 25 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। चलिए बताइए दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसमें दर्पण प्रतिबिंब आपने बताना है। दर्पण प्रतिबिंब में मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, लेफ़्ट और राइट चेंज होता है, ऊपर और नीचे कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि जो आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यहाँ पर दिखाई देगी, और जो ये वाली यहाँ चली जाएगी और ये वाली यहाँ। देखिएगा कौन से में है ऐसी आकृति, यानी कि ये वाली आकृति इसमें ऑप्शन नंबर बी में आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होगी कि ऑप्शन नंबर बी में दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 61 दिन बाद बताना है आपने कौन सा दिन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक हफ्ते में, यानी कि एक वीक में 7 डेज होती हैं, जितने भी दिन दिए हैं उनको 7 से डिवाइड लगा दो, जो शेष बचेगा दोस्तों उसमें उस जो ऐसे इसमें 5 शेष बचेगा, 8 × 7 = 56 होता है, और 5 शेष बचेगा, ये 5 है, ये सोमवार, यानी कि 5 डेज आगे चले जाएगा। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अगर सोमवार में हम 5 ऐड करेंगे तो जो दिन निकल के आएगा वो शनिवार निकल के आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, जितना भी शेष बचेगा वो उस दिन में ऐड करेंगे जो कि आज है। ठीक है, यानी कि जो आज है, ऐसे आज सोमवार है और 61 दिन बाद, वैसे आज सोमवार नहीं है, आज मैं मान रहा हूँ सोमवार है, और 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा अगर हमसे पूछा जाएगा, तो हम 61 को 7 से डिवाइड करेंगे और 5 शेष बचेगा। समझ गए होगे आप, बिल्कुल समझ गए होगे। 5 दिन मतलब ये दिन है 5, इसमें ऐड करेंगे तो वो दिन निकल के आ जाएगा जो 61वां दिन होगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसको बताइए। मैंने आपसे कहा है अगर आप रीजनिंग में फुल में से फुल स्कोर करना चाहते हो तो अल्फ़ाबेट नंबर आपको याद होने चाहिए, जैसे A1 पे आता है और V2 पर है, ऐसी A to Z याद होने चाहिए। चलिए इसका बताइए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो पहले हम इस क्वेश्चन को, मैंने बताया रीजनिंग के अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपको ऑप्शन मेथड से करना है, ऑप्शन मेथड से बहुत ही जल्दी हो जाता है। देखिए इधर से 4, 9 और 25 आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना किसी के, बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे ए स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का है और यहाँ पर 5 का है, यानी कि ये नंबर मिसिंग है, एक स्क्वायर मिसिंग, स्क्वायर से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखने की अप्रोच अलग अलग होनी चाहिए, आप नंबर सिस्टम अब नंबरिंग से करेंगे। ठीक है, ऐसे B आता है 2 पर, F आता है 6 पर और H आता है 8 पर। एक देखो दो दो का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा इन दोनों में, यानी कि अगर यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए तो यहाँ पर बात बन सकती है, दो दो का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर D आएगा। जो भी होगा D ऑप्शन, देखो B में है और C में है, D दोनों में है। ठीक है, स्क्वायर से अब हम देखेंगे, यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ पर किसका स्क्वायर आना चाहिए, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पर 4 का, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस स्क्वायर से भी बन रहा था, हालांकि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं,
अगला क्वेश्चन देखेंगे कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष बड़े ही आसानी से करेंगे, क्योंकि कथन और निष्कर्ष आजकल के एग्जामों का पैटर्न बन गया है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा जूम करेंगे हम। चलिए बताइए, सभी कारें चार पहिए वाली होती हैं, जितनी भी कारें हैं ये सब चार पहिए वाली हैं, ये कार हैं और ये चार पहिए वाली, ठीक है। चलिए दूसरा लाइन पढ़ेंगे हम, सभी कारें पहिए वाले वाहन होते हैं, सभी जितनी भी कारें हैं ये पहिए वाले वाहन होते हैं, ठीक है। जितनी भी कारें हैं ये इसके अंदर ही आएगा, कारें पहिए वाले वाहन होते हैं, ये वाहन आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आप निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी कारें वाहन होती हैं, सभी जो कार हैं ये वाहन हैं, बिल्कुल हैं, ये सबसे छोटा गोला है, सबसे अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल होंगे सभी कारें वाहन। कुछ वाहन चार पहिए वाले होते हैं, यानी कि कुछ की बात हो गई है और कथन में कुछ का वर्ड आया ही नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे इसमें कुछ बोला है और कुछ कथन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ वाहन चार पहिए वाले होते हैं, कुछ वाहन ये तो सभी वाहन चार पहिए वाले हैं ना, कुछ नहीं है, तो फिर ये एक गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल निष्कर्ष एक निकलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे, आगे देखिएगा, सभी गीली मिट्टी बर्तन हैं, जितनी भी गीली मिट्टी हैं, यानी कि सभी गीली मिट्टी, ये गीली मिट्टी बर्तन है, बर्तन बना दिए हमने, ठीक है। सभी बर्तन कंटेनर हैं, जितने भी बर्तन हैं ये इसके अंदर आ जाएगा गोला, कंटेनर बना दिए हैं। निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं, सभी कंटेनर हैं ये गीली मिट्टी हैं, नहीं है दोस्तों, सभी कंटेनर गीली मिट्टी नहीं है, ठीक है। सभी ये कंटेनर तो बाहर जा रहा है ना, आप समझ पा रहे हो कि ये बाहर वाला गोला है, तो सभी कैसे हो जाएगा, सभी तो अंदर वाला होता तब होता ना सही आंसर, तो ये नहीं करेगा कंसीडर एक। अब दूसरा पढ़ेंगे, कुछ बर्तन गीली मिट्टी हैं, यानी कि जो कुछ बर्तन हैं ये गीली मिट्टी है, हाँ बिल्कुल हैं गीली मिट्टी, यानी कि इतने तो हैं ही ना, देखो बर्तन इतने हैं और गीली मिट्टी इतनी है, तो कुछ हैं, यानी कि दो कंसीडर करेगा, केवल दो निकलेगा इसमें निष्कर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें नंबर सीरीज का है, जल्दी से सोचिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फिर मैं बताऊंगा। देखो 12 से 24 हो रहा है, 24 से 36 हो रहा है, यानी कि 12 12 प्लस हो रहा है, तो अगली डिजिट आएगी 48 48 ऑप्शन नंबर सब में 48 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर ए से सी हो रहा है, एक गैप हो रहा है, यानी कि बी गैप ले रहा है, और फिर सी से ई, फिर यानी कि डी गैप हो रहा है, एक यहाँ पर भी गैप होके आएगा, यानी एफ गैप होगा, जी ऑप्शन आएगा, यानी कि यहाँ पर जी आएगा, देखिए जी इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई आपको दे रहा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, और आगे बढ़ते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए आप नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट वर्ड, ऐसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। के का अपोजिट क्या होता है, पी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, ठीक है। अब इसका अपोजिट करेंगे, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, ठीक है, जी सब में है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस, तो एस इन दोनों तीन में है, एस, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई भी इसमें है, देखिएगा अब। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी, वी इसमें भी है। और ए का अपोजिट होता है जेड, जो कि इसमें है खाली, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए जहाँ तक हमको सही आंसर मिल जाता है फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें बताइएगा सही आंसर क्या होगा, लहसुन अदरक मिर्च, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है इन तीनों का कोई भी, तो सब जगह अलग अलग होंगी, लहसुन अलग होगा, अदरक अलग होगा और मिर्च अलग होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कथन और अवधारणा पर है, दोस्तों कथन और अवधारणा में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे कोई कथन और निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन और पूर्व अवधारणाएँ, कथन और कार्यवाही, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं और इनके करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अवधारणा, जैसे मैं किसी कथन को, मैं कोई बात बोलूँगा, मेरी बात को सुनकर आपके दिमाग के या आपके मस्तिष्क के अंदर जो भी अवधारणा आती है, जो भी धारणा बनती है, वो उसे अवधारणा कहते हैं, मेरी बात पे, यानी आपके मन में क्या अवधारणा बनी है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं धीमी गति वाली ट्रेन से यहाँ से दिल्ली गया, तो आपके अंदर ये अवधारणा बनेगी दोस्तों,
कि वो ट्रेन होगी, वो ज़रूरी पैसेंजर होगी, तभी धीमी गति से चल रही होगी। अगर मैं कहूँगा तेज़ गति वाली से गया तो आप समझ जाओगे कि वो ट्रेन एक्सप्रेस होगी। ये धारणा आपके मन में बन रही है ना, वही यहाँ पर भी वही फॉलो करना है आपने। देखिएगा, कथन में कहा गया है कि कहानियाँ बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रय को याद दिलाने, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए ठीक है, आपने समझ लिया होगा मेरी बात को और आपके मन में एक अवधारणा भी बन गई होगी। चलिए, ये अवधारणा क्या है आपके मन में, जो अवधारणा बनी है क्या वो ये है? अगर वो ये है तो सही है, अगर वो ये नहीं है तो कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं, आपको भी रही होंगी जब आप बचपन में होंगे। ठीक है, चलिए एक कंसीडर कर रहा है और दूसरा पढ़ते हैं। कहानियाँ बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण कौशल में सुधार करती हैं, बिल्कुल करती हैं। बच्चे अगर कहानियों को सुनते हैं तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझने लग जाते हैं। तो फिर ये दूसरा वाला भी कंसिडर करेगा, यानी कि दोनों ही अंतर्निहित करेंगे कथन एक और दो। चलिए इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज बतानी है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपने बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है मैं आपको बता दूं, जो जिसकी एक भुजा 90 होती है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये वाली भुजा 91 होनी चाहिए, इसमें 90, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समकोण। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में देखो आपको बहुत टफ लग रहा होगा ये क्वेश्चन कि इसमें हम कैसे छाटेंगे, इसमें तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। कोई टफ नहीं है दोस्तों, जहाँ पे सीधी लाइन है राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ वहीं बनेगा। ठीक है, आप ये जैसे एक ये है तो एक यहाँ पर बनेगा, एक ये है तो यहाँ पे दो बनेंगे, एक ऊपर भी बनेगा और एक नीचे भी बनेगा, तीन हो गए, और एक ये लाइनें हैं तो यहाँ पे चार बनेंगे। देखो चार इसमें बनेंगे और चार इसमें बनेंगे, चार इसमें और चार इसमें, चार चार बनेंगे, चार 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 चार, यानी कि 16 इसमें बनेंगे, तो 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, काउंट करके देख लीजिएगा, इसमें इतने ही बनेंगे, मैंने बता दिया है। जहाँ पर लाइन एकदम सीधी ड्रॉ हो रही है वहाँ पर ही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा, अब आपको साफ से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मोबाइल लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक, इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे? ऐसे ये मोबाइल और लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा इसके अंदर और लैपटॉप, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका वेन डायग्राम ये वाला ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में आपको वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिएगा, मैं NTPC के एग्ज़ाम तक को कवर करेगी, दो या तीन क्वेश्चन मैं बताऊँगा कौन से जो NTPC एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे और मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। जो पज़ल बनती है दोस्तों, वो पज़ल दो पज़ल रखता है NTPC एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास बहुत सारे हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ उनको, हालांकि मैं बाद में कराऊँगा। अभी DRDO और रेलवे ग्रुप डी का लेवल बिल्कुल कवर हो रहा है यहाँ से, ये वाले क्वेश्चन उसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताइएगा इसमें विषम क्या है? बड़े ही आसानी से और बहुत ही प्यार से हमने इसमें पकड़ लिया है कि 30 में विषम है। अब क्यों? देखिएगा, इसमें चार लाइनें हैं, इसमें चार हैं, जैसे एक दो तीन चार, ये देखो चार लाइनों से ड्रॉ हो रहा है ना, MWE, और ये दो लाइनों से ड्रॉ हो रहा है, सिंपल सी 30 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी से। देखिए कि मैंने कहा था रिवर्सशिप आपको याद होनी चाहिए, जैसे चलो रिवर्सशिप आपको याद होना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, लेकिन इसमें रिवर्सशिप नहीं जा रहा है, M 13 पर आता है, नंबरिंग भी बहुत ज़रूरी है, और K आता है 11 पे, यानी कि K 11 पर आता है, यानी कि एक डिजिट मिस, यानी कि दो डिजिट मिस हैं बीच में। ठीक है, दो डिजिट मिस हैं, इसमें भी दो डिजिट मिस होंगी 101%। R 18 पे आता है, अगर दो इसको लेस करोगे तो दो कम करके इसमें आ जाएगा P, P तो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, चलिए आप कैसे पकड़ेंगे? देखो P इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन वो वर्ड ढूंढेंगे जो इसमें है और इसमें नहीं है। ठीक है, इन दोनों में दोनों भिन्न हैं, B है इसमें, C है, यानी कि अगर हमको लास्ट वाला वर्ड पता चल जाए तो हम आंसर तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। चलिए इसमें हम दो लेस करके देखेंगे, ई में दो लेस तो हो रहे हैं ना इसमें, अगर पाँच में से दो करेंगे तो तीन बचेंगे, तीन पे आता है सी, तीन पे सी, यानी ऑप्शन नंबर डी आसानी से मिल गया हमको। चलिए इस क्वेश्चन को करिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इससे ये बन रहा है तो इससे कौन सी आकृति बनेगी? देखो
ये जो ये नॉन वेरिएबल रीजनिंग है, आप समझिएगा कि ये जो ऊपर गोल है ना, ये नीचे हो जा रहा है, पलट जा रहा है, तो ये वाला भी यहाँ पर पलट जाएगा, तो ये पलट देगा, तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको सही आंसर दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलिए इसको ढूंढिएगा, ये इसमें बताना है आपने कि इसके निकटतम आकृति कौन सी दिखाई देगी इसमें। चलिए देखिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा हर क्वेश्चन पे, और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। खुद से नहीं बनाओगे तो 35 में 35 कभी नहीं कर पाओगे, अगर ऐसे ही देखते रहोगे। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीक है जिनकी रीजनिंग, वो तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि उनसे ऐसे नहीं बनेगा। जो स्टूडेंट्स थोड़ी तैयारी कर चुके हैं वो बनाए, वो वीडियो को रोक के मन में ही सोच लिया करिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कैसे इसकी तरह ही दिखाना है, देखिए सब इसकी तरह ही लगवाएं, ये तो कट ही जाएगा, साइड में बन रहा है इसमें गोल, ये और ये और ये लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखो, ये वाली लाइनिंग एक हल्की सी लाइनिंग दिखाई दे रही होगी ना आपको, ये लाइनिंग इन तीनों में से किसी में भी दिखाई नहीं दे रही है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नॉन वेरिएबल रीजनिंग को छोटी छोटी लाइनों से पकड़ा जाता है, यानी कि ये इसमें आंसर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन तुम छोटी छोटी चीज़ों को समझने लग जाओगे तो इसमें आंसर आसानी से निकाल दोगे। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, मैंने रखा है रीजनिंग में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, और ये आया हुआ क्वेश्चन ही है। आपने बताना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन हैं। देखो ये 10 भिन्न सेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3, ये 10 तक दिए हैं ना ये वाले, और लाइब्रेरी में 20 किताबों को वर्गीकृत करता है, और वो लाइब्रेरी 20 किताबों को वर्गीकृत करता है, किस सेक्शन में सबसे कम किताबें आएंगी। देखिए यहाँ पर 1 में 300 हैं, और 2 में थोड़ा ज़्यादा हैं, यानी 350 हैं, यानी कि हमको बताना है इसमें, ये सबसे कम है ना यहाँ पे नीचे, तो ये 7 में मैच कर रहा है ना, तो 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम यहाँ पर ही है। ऐसे आप वेन डायग्राम को, आप अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो समझ गए होगे आप, ये देखो आप एक बार और देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि देखो सबसे कम यही तो है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा इसमें है, उससे कम उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे सबसे कम बताना था, अगर सबसे ज़्यादा बोलता तो ये और ये दोनों सही आंसर हो सकते थे हमारे। चलिए आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, अगला बताइए। देखो दिशा, ये दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो ए पूरब की ओर सम्मुख है, चलो ए ये है और ये इधर देख रहा है पूरब को, ठीक है। हम देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, चलो चारों दिशाएं मैंने बना दी हैं, ऐसे ही तुम अपनी कॉपी में बनाए करो। ए बी से पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ए जो है बी से पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर है, चलो ये बी हो गया, इसकी दूरी हो गई 750 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ए दाई ओर 500 मीटर खंबा है, ए के जो दाई ओर है 500 मीटर खंबा है, अब बी की अवस्था के संबंध में वो खंभा किस दिशा में है। दोस्तों वो कट गया कोई नहीं, ये यहाँ पर ए था, यहाँ पे बी था और यहाँ पे खंभा था, बताइए। देखिए बी अगर यहाँ पर है तो ये दक्षिण और उत्तर, दक्षिण और पूरब, सॉरी दक्षिण और पूरब में दिखाई दे रहा है ना, इसके इसके ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे इधर पूरब हो गया और इधर दक्षिण हो गया, ये दक्षिण और पूरब में दिखाई दे रहा है आपको, जैसे देखो दक्षिण और पूरब में आ गया ना, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, दक्षिण और पूर्व में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं, एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद करते हैं और पोषक तत्व को भी साझा करते हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है तो सही बात होगी, बिल्कुल। देखिए दोस्तों हमको हमेशा कथन को पॉजिटिव वे में लेना है, निगेटिव नहीं मान रहे हैं, ओके। वैज्ञानिक ने कह दिया तो बिल्कुल कह दिया, ऐसी बात होगी जो कथन में कहा गया है उसे हमेशा सत्य मानना है, नहीं तो आप गलत कर दोगे, चाहे उसमें सभी कुत्ते बिल्लियां हैं बोल दिया है तो वो हैं, क्योंकि उसने कथन में बोल दिया है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है, वरना आप आंसर को गलत टिक कर दोगे। चलिए ठीक है, अवधारणा पढ़ेंगे, आपको इस वैज्ञानिक की बात सुनकर आपके मन में क्या अवधारणा बनी है वो पढ़ेंगे। पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषण तत्व साझा करते हैं,
हाँ बिल्कुल करते हैं, जब वैज्ञानिक ने इस बात को बिल्कुल कहा है ना, तो पहला कंसीडर करेगा। और पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा है, सब कुछ से मतलब ये बात तो वैज्ञानिक ने नहीं बोली ना कथन में, सब कुछ से तो कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं कहा है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे हम, पहला ही अंतर्निहित करेगा। ठीक है चलिए चलिए, इस क्वेश्चन को बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है, यानी कि देखिएगा आप। देखो पहले D4 पे आता है, E5 पे आता है और F6 पर आता है,